हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार और बेस्ट सिलेक्शन में। आज आपको बताएंगे कि एसएससी एमटीएस के लिए आपकी जो वैकेंसी आ चुकी है उसी संबंधित आपको मैं सारा कुछ बताऊंगा डेटा, कि आपको फॉर्म कब से स्टार्ट होकर के आपका कब से भरा जाएगा। दोस्तों बताएंगे कि आपकी वैकेंसी कितनी है और आपकी एज कितनी से कितने बीच वाली एज वाले इसको डाल सकते हैं, आपकी फीस क्या होगी और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा वो कब से होगा। दोस्तों फॉर्म बता दें सबसे पहले आपको कि आपका जो होगा फॉर्म मल्टी टास्किंग के लिए, आपका जो नॉन टेक्निकल स्टाफ सिलेक्शन के लिए आया है, तो आपका जो यह फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया, चूँकि आज के ही डेट से स्टार्ट हो गया, 22 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है शाम को। दोस्तों सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इसमें आपको मिनिमम आपके पास हाई स्कूल की योग्यता होनी चाहिए, हाई स्कूल आप पास हो किसी भी यूनिवर्सिटी से जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। चलिए दोस्तों आपको देख सकते हैं, यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि आपको एसएससी के मेन वेबसाइट पर यहाँ पर आपको मिल रहा है एक लेटेस्ट में 22 अप्रैल के लिए आपका एक नोटिस आई हुई है। नोटिस में आपको मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 के अकॉर्डिंग आपको एक नोटिस दी जा रही है। आइए इसके नोटिस को खोलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि नोटिस में क्या बताया जा रहा है, सारा कुछ बताएंगे दोस्तों आपका कैसे कैसे फॉर्म डाला जा रहा है। बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन क्लासेस भी इस पर मिलेगी, आपको मैथ्स के और जनरल नॉलेज के और करेंट अफेयर के इस पर डेली बाई डेली आपको बेसिस पे सारे जो भी आपके रिलेटेड सब्जेक्ट होंगे आपको दिए जाएंगे, इसके मैटर्स आपको अपलोड किया जाएंगे, आपको हो सकता है उससे बहुत ज़्यादा मदद मिले। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सकता है आपको फिर लाइव कोर्स की व्यवस्था की जाए। पहले आपको स्टार्टअप में दिखाया जाएगा, यदि आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो आपको रिएक्शन देंगे तो उसमें और भी प्रोग्राम में चेंजेस किए जाएंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले मल्टी टास्किंग के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस पर जो आपको ssc.nic.in के जो वेबसाइट है ऑनलाइन आप इस पर जा सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऑलरेडी लिंक दिया गया है, आप उस नोटिस को डायरेक्टली खोल के भी पढ़ सकते हैं। एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसके ऑनलाइन जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जा करके आप इस चीज़ को भी देख पाएंगे। चलिए सबसे पहले आपको खोलते हैं फिर दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे कि मैंने आपके सामने एसएससी एमटीएस के लिए जो ऑनलाइन आपकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो उसका जो नोटिफिकेशन है मैंने सारा कुछ नोटिफिकेशन आपको खोल के दिखा रहा हूँ। इसमें कुल आपके टोटल इसमें पेजेस हैं 44 पेजेस हैं नियर अबाउट। इसमें कुछ आपके जो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे आप बताते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन वो प्रारंभ हुआ है 22 अप्रैल से और आपका जो ये लास्ट डेट होगी वो 29 मई होगी। 29 मई तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और बताते हैं आपका जो फीस पेमेंट की होगी वो लास्ट डेट होगी, यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो 31 मई तक आप शाम के 5 बजे तक अपना फीस पेमेंट कर पाएंगे। वही बात करते हैं दोस्तों चालान से, यदि तो आप चालान से पेमेंट करते हैं तो आप 1 जून तक इसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक, जैसा कि आपका बैंक होता है बैंक समय उस टाइम तक। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम कब होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें इसमें आपको 2 एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम 1 और एग्ज़ाम 2। तो जो आपका एग्ज़ाम 1 होगा उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे जो आपका 90 मिनट में होगा। इसमें से आपको बता दें 4 पोर्शंस होंगे, 4 पोर्शन में आपके मैथ्स हैं, जीएस है, रीजनिंग है, हिंदी है। तो दोस्तों इस 4 पैटर्न्स पे आपके एग्ज़ाम होंगे जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। सभी पैटर्न से आपके जो सभी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें से 25-25 क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का इसमें रहेगा। दोस्तों बात करते हैं आपके सेकेंड ईयर एग्ज़ाम की। तो सेकेंड ईयर आपका एग्ज़ाम होगा जो डिस्क्रिप्शन होता है, जिसमें आपको या तो एस ए लिखना होता है या फिर आपको लेटर राइटिंग होती है, जो आपका नवंबर माह में लिया जाने वाला है। और आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होने ही वाला है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपका आंसर भी देना होता है, जिसको एमसीक्यू भी बोलते हैं। तो आपका अगस्त और सितंबर महीने के बीच में आपका टेंटेटिव दिया गया है, जैसा कि आप पूरा पूरा आपको इस लिंक को भी देख लीजिएगा, आपको वीडियो में मैं आपको बता ही रहा हूँ, फिर भी आप देखना भी चाहें तो आप इसको देख भी सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से आपको लिंक मिलेगा इस नोटिफिकेशन का, तो उस नोटिफिकेशन को आप डायरेक्टली अपने मोबाइल में भी देख पाएंगे। आइए आगे बात करते हैं कि आपको एज क्या होने वाली। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एज की, तो आपकी जो एज होगी वो मिनिमम होगी 18 और मैक्सिमम आपकी 25। तो दोस्तों अब बात करते हैं आपका एज कैलकुलेशन कब होगा। तो एज आपकी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 अगस्त 2019 के अकॉर्डिंग आपकी जो मतलब एज होगी वो कैलकुलेशन की जाएगी। इसके अकॉर्डिंग आप यदि 18 और 25 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से डाल पाएंगे, बहुत ही अच्छा फॉर्म है, आप इस फॉर्म को जरूर डालें। दोस्तों बात करते हैं फीस की, तो यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 0 फीस होगी और यदि आप पुरुष हैं और जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 100 रुपये की फीस लगेगी और एससी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 0 फीस की है, यानी कि आपकी जो फीस होगी वो एक्सटेंडेड होगी, वो सरकार द्वारा आपको एक्सटेंडेड की जा रही है फीस, आपको पता ही होगा। आगे बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से डाल सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले बताया आपके 22 अप्रैल से आपका फॉर्म चालू हो चुका है, फॉर्म को आप डाल सकते हैं। फॉर्म के लिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी सुझाव देना हो तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। और दोस्तों बात करते हैं इसमें आपका जो छूट होगी वो
कैसे मिलेगी? तो छूट जैसे कि आपको सेंट्रल वैकेंसी में मिलती है, एसएससी के वैकेंसी में मिलती है, तो ऐसे छूट आपको दी जाएगी। जैसे कि अभी गाइडलाइन कुछ दिन पहले आया था कि अभी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं जनरल कैंडिडेट, उनको भी 10% का आरक्षण एसएससी भी दे रही है, तो इसमें भी आपको मिलेगा। इसके लिए आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो इसको हम बोलते हैं इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, आपके पास यदि आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एससी एसटी या ओबीसी, यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे हम जात प्रमाण पत्र भी कहते हैं, तो आपके पास होना चाहिए, जिसके बाद आप फॉर्म बहुत ही आसानी से डाल पाएंगे। फॉर्म डालिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। आप यदि जनरल ओबीसी से हैं तो 100 रुपये का फीस पेमेंट करके फॉर्म को डालिए, यदि और एससी एसटी हैं या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से फॉर्म डालिए, आपके पास कोई फीस नहीं लेगी। दोस्तों बात कर रहे हैं ग्रेड पे, आपको ग्रेड पे कितना मिलेगा, तो यदि आपका ग्रेड पे की बात कर लेते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए आपका जो 5,200 से लेकर के 20,200 प्लस आपका ग्रेड पे 1,800 रुपये का रिजर्व दिया जाएगा पे स्केल। ये रही आपकी दोस्तों सैलरी। ये मैंने आपको जहाँ तक भी 60 नोटिफिकेशन था सारे कुछ मैंने समझा के आपको क्लियर कर दिया। दोस्तों बात करते हैं, एक छोटा सा चीज़ मैंने अभी छोड़ दिया था, मैं उसको बात कर लेता हूँ, एज रिलेक्सेशन मैंने आयु में छूट के लिए। तो दोस्तों आपकी आयु में छूट ओबीसी और जनरल के लिए आपको कितना है, आपको हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि आपको क्या क्या छूटें दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको छूट कैसे दे रहा है, तो एस सी एस टी के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं, तो यदि आप एज रिलेशन आते हैं, एज आयु में छूट चाहते हैं, तो आपको एस सी एस टी के लिए 5 साल का देगा और ओबीसी के लिए 3 साल के लिए। यहीं आप पीडब्ल्यूडी के लिए बात कर रहे हैं, जो अनरिजर्व में भी रहेंगे तो उनको 10 साल के लिए मिलेगा, और यदि पीडब्ल्यूडी ओबीसी के हैं तो आपको 13 साल के लिए मिलेगा, यदि पीडब्ल्यूडी एससी एसटी से हैं तो उनको 15 साल के लिए छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों बात कर लेते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगी। और अभी बात कर लेते हैं, आपको अभी जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड जगह है वहाँ के निवासी हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। तो ऐसे ही कुछ डिफेंस हैं, आपको इसको भी पढ़ सकते हैं, मैंने 60 मिनट में बना रहा हूँ वीडियो, ताकि लंबी ना हो, ताकि आपको बोरिंग ना लगे और सारे डिटेल्स भी आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। फिर भी कहीं भी आपको कहीं भी छोटा सा भी एक कहीं भी छोटा पॉइंट भी समझ में नहीं आया हो या फिर आप नहीं समझ पाए, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको उसके बाद आपका उसको जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा उसको क्लियर कर देंगे। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कहीं वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तब हम कमेंट्स करिएगा। वीडियो के बारे में आप कैसा लगा वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों ये चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स आप सबसे पहले आपको दिए जाते हैं, और बहुत जल्दी आपको ऑनलाइन क्लासेस जैसे मैंने बताया आपको प्रारंभ की जाएगी, तो आपको इस चैनल से फायदा ही फायदा होगा। तो बस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।